गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, इस वीडियो में हम 11 दिसंबर के करंट अफेयर्स करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, किन्होंने 2018 का ग्लिंका वर्ल्ड सोयल प्राइज यानी विश्व मृदा पुरस्कार जीता है? राइट आंसर है मिस्टर रतनलाल। मिस्टर रतनलाल ने ये पुरस्कार जीता है। ग्लिंका वर्ल्ड सोयल प्राइज की बात करें तो ये एक फेमस रशियन साइंटिस्ट के नाम पर एक पुरस्कार है और ये सोयल साइंटिस्ट यानी मृदा के वैज्ञानिकों के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार माना जाता है। ये अवार्ड सेरेमनी FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के मुख्यालय में हुई थी। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय इटली के रोम में स्थित है। हाल ही में FAO ने 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित करने के प्रस्ताव को पास किया है। इसके अलावा सोयल की बात करें तो 5 दिसंबर को वर्ल्ड सोयल डे मनाया जाता है। इस बार के वर्ल्ड सोयल डे का थीम था बी द सॉल्यूशन टू सोयल पोल्यूशन। इसके अलावा 5 दिसंबर को ही इंटरनेशनल वॉलंटियर डे भी मनाया जाता है। इस बार के इंटरनेशनल वॉलंटियर डे का थीम था वॉलंटियर्स बिल्ड रिजिलियंट कम्युनिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजय रोहेरा जिन्होंने क्रिकेट के इतिहास में प्रथम श्रेणी क्रिकेट में हाईएस्ट डेब्यू स्कोर किया है, वो किस राज्य से हैं? राइट आंसर है मध्य प्रदेश। वो मध्य प्रदेश से हैं। ये है मिस्टर अजय रोहेरा। इन्होंने रणजी ट्रॉफी में 267 रन बनाए हैं। ये अब तक का हाईएस्ट स्कोर है। इससे पहले ये रिकॉर्ड मिस्टर अमोल मजूमदार के नाम पर था, लेकिन अब ये रिकॉर्ड मिस्टर अजय रोहेरा के नाम पर है। वो मध्य प्रदेश से हैं और उन्होंने हैदराबाद के खिलाफ रणजी मैच में ये रिकॉर्ड बनाया। रणजी ट्रॉफी की बात करें तो इसकी शुरुआत 1934 में हुई थी। ये एक फर्स्ट क्लास क्रिकेट टूर्नामेंट है। ये BCCI के द्वारा आयोजित करवाया जाता है। कमेंट बॉक्स में बताइए BCCI की फुल फॉर्म क्या है। करंट जो रणजी के चैंपियन है वो है विदर्भा और जो मोस्ट सक्सेसफुल टीम है वो है मुंबई। हाल ही में मिस्टर वसीम जाफर भी न्यूज़ में थे रणजी ट्रॉफी की वजह से। वो रणजी ट्रॉफी में 11,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने हैं। इसके अलावा हाईएस्ट विकेट टेकर का रिकॉर्ड है वो मिस्टर राजेंद्र गोयल के नाम पर है। उन्होंने रणजी ट्रॉफी में हाईएस्ट विकेट्स ली हैं। इसके अलावा क्रिकेट से संबंधित कुछ और न्यूज़ की बात करें तो हाल ही में मिस्टर गौतम गंभीर ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है। वो दिल्ली की टीम की तरफ से डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते थे और IPL में वो कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान थे। इसके अलावा हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की विमेंस टीम ने T20 विश्व कप टूर्नामेंट जीता है। ये टूर्नामेंट वेस्ट इंडीज़ में हुआ था और ऑस्ट्रेलिया ने ये चौथी बार जीता है। अब तक कुल 6 टूर्नामेंट हुए हैं और उसमें से ऑस्ट्रेलिया ने ये चौथी बार जीता है। और ऑस्ट्रेलिया की मिस एलिसा जीन हेली हैं वो प्लेयर ऑफ द सीरीज रही। कमेंट बॉक्स में बताइए जो इंडिया की विमेंस टीम थी उसके कप्तान कौन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? राइट आंसर है केरला। केरला भारत का पहला राज्य बन गया है जिसमें 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। हाल ही में सिविल एविएशन मिनिस्टर मिस्टर सुरेश प्रभु और केरला के मुख्यमंत्री मिस्टर पिनाराई विजयन ने कन्नौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है। कन्नौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट केरला में 4th इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इससे पहले 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, वो हैं तिरुवनंतपुरम, कोच्चि, कोझिकोड और चौथा है कन्नौर। इसके अलावा केरला की बात करें तो केरला को गॉड्स ओन कंट्री यानी भगवान का अपना घर भी बोला जाता है। हाल ही में जब केरला में बाढ़ आई उस टाइम पर इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन मदद और ऑपरेशन सहयोग भी चलाया था लोगों को बाढ़ से बचाने के लिए। ऑपरेशन मदद है वो इंडियन नेवी के द्वारा चलाया गया था और ऑपरेशन सहयोग है वो इंडियन आर्मी के द्वारा चलाया गया था। इसके अलावा केरला का सबरीमाला टेम्पल है वो भी हाल ही में चर्चा में था। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सभी उम्र की महिलाओं को सबरीमाला टेम्पल में एंट्री की परमिशन दे दी है। इसके अलावा KTDC यानी कि केरला टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है
वो इंडिया का पहला स्टेट रन यानी कि गवर्नमेंट रन ऑल वुमेन होटल बनाएगा, जिसमें सभी स्टाफ वुमेन होंगी और इस होटल का नाम है होस्टेस। इसके साथ साथ भारत का सबसे बड़ा ड्राई डॉक भी हाल ही में केरला में शुरू किया गया है। इसका उद्घाटन किया है मिस्टर नितिन गडकरी और केरला के मुख्यमंत्री मिस्टर पिनाराई विजयन ने। ये ड्राई डॉक कोचीन शिपयार्ड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2018 के लिए मिस्टर सुप्रानेशनल की ट्रॉफी किन्होंने जीती है? राइट आंसर है मिस्टर प्रथमेश मौलिंगकर। मिस्टर प्रथमेश मौलिंगकर ने 2018 के लिए मिस्टर सुप्रानेशनल की ट्रॉफी जीती है। ये कंपटीशन पोलैंड में हुआ था। हाल ही में पोलैंड एक और न्यूज़ की वजह से भी चर्चा में था। COP24 यानी 24th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है क्लाइमेट चेंज की, वो भी पोलैंड के कोटोविसो में चल रही है। ये 24वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है और ये यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज की कॉन्फ्रेंस है। सो तीन चार इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। पहला, ये 24वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, ये पोलैंड के कोटोविसो में हो रही है और ये यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज की कॉन्फ्रेंस है। पोलैंड की बात करें तो ये एक यूरोपियन कंट्री है। पोलैंड की राजधानी है वासो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिन भारतीय सेना पनडुब्बी दिवस मनाती है? राइट आंसर है 8 दिसंबर। 8 दिसंबर है उस दिन भारतीय नौसेना पनडुब्बी दिवस मनाती है। उसके पीछे कारण ये है कि 1967 में यानी 1967 में 8 दिसंबर को भारत की पहली सबमरीन INS कलवारी है वो इंडक्ट की गई थी भारतीय नौसेना में, और इसी वजह से 8 दिसंबर को पनडुब्बी दिवस यानी सबमरीन डे मनाया जाता है। जो भारत की पहली सबमरीन थी उसका नाम था INS कलवारी। इसके अलावा दिसंबर महीने के कुछ इंपॉर्टेंट डेज की बात करें तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 2018 के विश्व एड्स दिवस का थीम था नो योर स्टेटस। 1 दिसंबर को ही नागालैंड का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को हुई थी और वो भारत का 16वां राज्य बन गया था। इसके अलावा 2 दिसंबर को नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे मनाया जाता है। 2 दिसंबर को ही इंटरनेशनल डे फॉर अबोलिशन ऑफ स्लेवरी और कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, और 3 दिसंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज मनाया जाता है। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है और 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। और जो ग्लिंका अवार्ड है वो भी इसी से कनेक्टेड है। तो आप इस तरीके से चीज़ों को इंटरकनेक्ट करिए। इसके अलावा 5 दिसंबर को इंटरनेशनल वॉलंटियर डे भी मनाया जाता है। 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। महापरिनिर्वाण दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 6 दिसंबर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की डेथ एनिवर्सरी है। इसके अलावा 7 दिसंबर को इंडियन आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे और इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे मनाया जाता है। 8 दिसंबर को इंडियन नेवी सबमरीन डे और 9 दिसंबर को इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे मनाया जाता है। इसके अलावा 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है। कमेंट बॉक्स में बताइए किस दिन गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है, और गुड गवर्नेंस डे के दिन भारत के प्रधानमंत्री बोगीबील ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए कि बोगीबील ब्रिज कहाँ स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइना का कौन सा मिशन है जो मून के फार साइड के लिए लॉन्च किया गया है? राइट आंसर है चांग E4। चांग E4 है वो मून के फार साइड के हिस्से के लिए लॉन्च किया गया मिशन है। ये जो एरिया है ये अभी तक किसी भी कंट्री ने एक्सप्लोर नहीं किया है, और चाइना पहला ऐसा देश होगा जो इस एरिया में यानी इस रीजन में एक्सप्लोरेशन यानी कि साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन करने वाला है। इससे पहले इस रीजन पर किसी भी लैंडर या रोवर को उतारा नहीं गया है। इसके अलावा चाइना हाल ही में एक और न्यूज़ की वजह से भी चर्चा में था। चाइना की स्टेट न्यूज़ एजेंसी सिन्हुआ ने हाल ही में विश्व का पहला आर्टिफिशियल न्यूज़ एंकर लॉन्च किया है। इसके साथ साथ भारत, चाइना और रशिया की सेकेंड ट्राइलेटरल मीटिंग भी
G20 समिट के साइडलाइन में हुई थी। सेकेंड RIC ट्राइलेटरल मीटिंग है। RIC का मतलब है रशिया, इंडिया, चाइना। तो सेकेंड RIC ट्राइलेटरल मीटिंग G20 समिट के साइडलाइन में हुई थी। G20 समिट अर्जेंटीना के ब्यूनस एरिस में हुई थी और अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हैं मिस्टर मोरासियो माक्री। अर्जेंटीना एक दक्षिण अमेरिकी देश है और वहाँ की राजधानी है ब्यूनस एरिस। ब्यूनस एरिस में ही 2018 के समर यूथ ओलंपिक गेम्स हुए थे। उन समर यूथ ओलंपिक गेम्स में भारत की तरफ से ओपनिंग सेरेमनी की फ्लैग बियरर थी मिस मनु भाकेर और क्लोजिंग सेरेमनी के फ्लैग बियरर थे मिस्टर जर्मी लाल रिनुगा। और 2022 का जो समर यूथ ओलंपिक गेम्स हैं वो सेनेगल में होगा। सेनेगल एक अफ्रीकी देश है और सेनेगल की राजधानी है डाकर। अब वापस से RIC समिट पर आएँ तो ये रशिया, इंडिया और चाइना के बीच की सेकेंड ट्राइलेटरल समिट है। ये 12 साल के बाद हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस IIT ने DSCI एक्सीलेंस अवार्ड 2018 जीता है साइबर सुरक्षा शिक्षा के लिए? राइट आंसर है IIT खड़गपुर। IIT खड़गपुर है, उन्होंने DSCI एक्सीलेंस अवार्ड जीता है साइबर सुरक्षा शिक्षा के लिए। सबसे पहले DSCI का मतलब है डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। ये एक इंडस्ट्रियल बॉडी है जिसकी स्थापना नेस्कॉम के द्वारा की गई है। कमेंट बॉक्स में बताइए नेस्कॉम के प्रेसिडेंट कौन है। अब IIT खड़गपुर ने 2018 का DSCI एक्सीलेंस अवार्ड जीता है साइबर सुरक्षा के लिए। इसके अलावा कुछ और IITs थी, वो भी हाल ही में न्यूज़ में थी। IIT हैदराबाद ने हाल ही में एक स्मार्टफोन बेस्ड सेंसर बनाया है जिससे दूध में मिलावट को डिटेक्ट किया जा सकता है। इसके अलावा IIT मद्रास है, उन्होंने राइज क्रीक नाम का एक माइक्रो प्रोसेसर तैयार किया है प्रोजेक्ट शक्ति के तहत। इसके अलावा IIT खड़गपुर हैं, उन्होंने नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया को तैयार किया है। इसके साथ साथ उन्होंने एक डिसीजन सपोर्ट सिस्टम भी तैयार किया है जिससे LPG के वितरण को बढ़ाया जा सके प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत। इसके अलावा IIT कानपुर हैं, उन्होंने ट्रेड विल नाम का एक ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया है जिससे मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम फेस करने वाले लोगों की मदद की जा सके। इसके साथ साथ IIT कानपुर के क्लाउड सीडिंग प्रोजेक्ट को भी मंजूरी मिल गई है। इस प्रोजेक्ट के तहत आर्टिफिशियल रेन करवाई जाएगी ताकि दिल्ली की हवा है उसको क्लियर किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2018 के मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल का वेन्यू कौन सा शहर है? राइट आंसर है चंडीगढ़। दूसरा मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल है वो चंडीगढ़ में शुरू हुआ। मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल के आयोजन के पीछे उद्देश्य ये है कि जो यंगर जनरेशन है वो हमारे ग्लोरियस मिलिट्री हिस्ट्री है उसके बारे में जाने, जो भारत का जो गौरवशाली सैन्य विरासत है लोग उससे परिचित हों, इसीलिए मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल आयोजित करवाए जाते हैं। ये दूसरा मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल था और ये चंडीगढ़ में आयोजित करवाया गया। हाल ही में चंडीगढ़ में एक और इम्पोर्टेंट इवेंट हुई थी जो इंटरनेशनल CII एग्रो टेक हुआ था, वो भी चंडीगढ़ में ही हुआ था। ये 13वां एडिशन था और भारत के राष्ट्रपति मिस्टर रामनाथ कोविंद ने इसका उद्घाटन किया था। इसका थीम था टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर इंक्रीजिंग फार्मर्स इनकम। ग्रेट ब्रिटेन है वो इसका पार्टनर कंट्री था जबकि कनाडा और चाइना इसके फोकस कंट्रीज थे और ये इवेंट चंडीगढ़ में हुई थी और कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज ने इस इवेंट का आयोजन करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ACI टूर ऑर्डर ऑफ मेरिट जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय गोल्फर कौन बने हैं? राइट आंसर है शुभांकर शर्मा। मिस्टर शुभांकर शर्मा हैं वो सबसे कम उम्र के गोल्फर बने हैं जिन्होंने ACI टूर ऑर्डर ऑफ मेरिट को जीता है। ACI टूर ऑर्डर ऑफ मेरिट जीतने वाले वो 5वें भारतीय बने हैं लेकिन उन्होंने ये कारनामा सबसे कम उम्र में कर दिखाया है। इससे पहले वो यूरोपियन टूर रुकी ऑफ ईयर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। हाल ही में उन्होंने सर हेनरी कॉटन रुकी ऑफ द ईयर अवार्ड जीता था और ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय बने थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर रजनीश गिरी को DBT इनोवेटिव यंग बायोटेक्नोलॉजिस्ट 2018 का अवार्ड दिया गया है उनके किस इनोवेटिव आइडिया के लिए? राइट आंसर है जीका वायरस। जीका वायरस पर उन्होंने एक इनोवेटिव आइडिया दिया है और इसीलिए जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है उन्होंने डॉक्टर रजनीश गिरी को इनोवेटिव यंग बायोटेक्नोलॉजिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया है। जीका वायरस की बात करें तो ये एडीस मॉस्किटो की मदद से फैलता है और जीका जो नाम है वो युगांडा के फॉरेस्ट से आता है। युगांडा एक अफ्रीकी देश है और जीका वायरस युगांडा के फॉरेस्ट में पहली बार आइसोलेट किया गया था, इसीलिए इसका नाम जीका वायरस रख दिया गया है। कमेंट बॉक्स में बताइए युगांडा की राजधानी क्या है। थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर द डे।